हेलो, कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर वन केमिस्ट्री का। इसमें से मैं थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा रह गया था। वन ए भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर दो पार्ट में ये चैप्टर है ना। हाँ, दो पार्ट में ये चैप्टर है। ऐसे मैंने वन ए पढ़ दिया था, ये वन बी है, ये तो यहाँ नहीं है। हाँ ठीक है, बन भी हम अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। ठीक है, पता नहीं कहीं नाम क्यों लिखा, अरे बन भी है। बेसिकली बन भी टॉक्स अबाउट केमिकल इक्वेशन। सेकंड चैप्टर में बहुत इक्वेशन आते हैं, बहुत इक्वेशन, कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, कुछ नहीं था उसके अंदर। मतलब इक्वेशन कैसा दिए होते पर कैसे बनाते हैं पता ही नहीं था। वो कैसे बनाते हैं बेसिकली हम उस चैप्टर में बताए गए थे। थोड़ा बहुत हमें स्टार्टिंग में समझ सकते हैं कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, उसी वाटर के चैप्टर में, है ना। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। केमिकल इक्वेशन का मीनिंग बताया हुआ है पहले, तो बोलते किसको है ये जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, केमिकल इक्वेशन। और ये वर्ड इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या कह रहा है, केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर करो इसको सर, सिंबॉलिक मतलब यहाँ पे कार्बन पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन का सिंबल लिख दिया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया गया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उसकी वर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका सिंबल लिख दिया गया है। तो ये क्या ही है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों के मिलने से कुछ रिएक्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन का क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यूजिंग द सिंबल्स, है ना, सिंबल्स का यूज करेंगे। ऑब्वियसली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, सिंबल्स को यूज करके। एंड फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले ही बोलेंगे, ठीक है, फॉर्मूले, फॉर्मुलेट नहीं है, फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। और कैरेक्टर में फॉर्मूला है, एक तरह से क्या है, फॉर्मूला है उन सब्सटेंसेस का जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो उस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं। हाँ, तो इनका एक फॉर्मूला, बेसिकली CO2 का फॉर्मूला क्या है, CO2 का फॉर्मूला क्या है, CO2 का फॉर्मूला वो है जिससे बना हुआ है। तो एक कैसे फॉर्मूला ही बताता है कि CO2 का फॉर्मूला क्या है, CO2 कैसे बनता है। तो CO2 का फॉर्मूला है C+O2, ठीक है। तो दो चीज़ बताता है, एक तो क्या है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरा ये फॉर्मूला है। दूसरा ये क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, आप इसे कोल को बर्न करो, ठीक है, ओपन एयर एनवायरनमेंट में। एयर मतलब ओपन एनवायरनमेंट में, बेसिकली यहाँ पे आपको नेचुरल एयर हो जहाँ पर। तो ये कह रहे हैं ये केमिकल रिएक्शन है, एक है केमिकल रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस, जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। हाँ होगा, दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अदर वर्ड इक्वेशन, या तो आप इसको कैसे करो, वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो, केमिकल इक्वेशन में, दोनों तरह से आपको करके दिखा दिया है। सर ये कोल है, कोल मतलब कार्बन, कोल मतलब एक कार्बन, इसको ये बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ओ एयर, जिससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इनको उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर डाला, ठीक है। इस टाइप से इन्वॉल्व इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, लर्न करने के मामले में इंपॉर्टेंट है या नहीं पता नहीं, पढ़ा इक्वेशन को समझने के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पहले क्या कह रहा है, लेट अस सिंबल्स और फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वो कह रहा है जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट रिएक्टेंट जो बना है, जो बना है, जो CO2 यहाँ पर है, CO2 रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखो, सिंबल्स लिख दो, इस तरह से सिंबल्स लिख दो, या फिर सिंबल फॉर्मूला लिख दो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, ठीक है। विद अ पॉजिटिव साइन बिटवीन देम, अगर दो से ज़्यादा जब वो है, क्या कहते हैं, सब्सटेंसेस हैं, सिंबल्स हैं, तो उनके बीच में क्या लगा दो, पॉजिटिव प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। लेट द सिंबल्स और द फॉर्मूले ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, लेट द सिंबल्स और द फॉर्मूले ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। क्या कह रहा है, दो चीज़ होती है पता नहीं आपको, मैंने समझाया नहीं समझाया, आपको समझाया किसको समझाया। जैसे ये बना हमारा CO2 बन रहा है ना आपका, ये सी है कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों क्या कह रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, यानी
ये दोनों आपस में क्या करें, रिएक्ट करें, ये दोनों आपस में क्या करें, रिएक्ट करें, रिएक्ट करके कुछ अलग ही टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाएंगे, तो इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इन्होंने रिएक्ट किया, इन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद तो कुछ बन गया, इन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या बन गया, ये बन गया, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या सामान बनाया, यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइड, प्रोडक्ट मतलब सामान, इन दोनों को हमने मिलाया और क्या बन गया, प्रोडक्ट। और शॉर्ट तरीका तो रिएक्टेंट को रॉ मटेरियल समझ लो, सही, रॉ मटेरियल को मिलाया, कच्चा सामान मिलाया हमने, ये कच्चा सामान मिलाया और इस कच्चे सामान से एक पक्का सामान बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया हमारा, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कह रहा है, तो वो कह रहा है दो काम करो, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिख दो, द पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। अगर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है पुट द साइन ऑफ एन एरो इन बिटवीन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है उनके बीच में राइट एरो ड्रॉ कर दो, पुट कर दो वहाँ पर, ठीक है। रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन देयर मॉलिकुलर फॉर्म्स, उनको उनके मॉलिकुलर फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करो, मतलब उनको उनके एटॉमिक फॉर्म में लिखो, बिकॉज देयर एटॉमिक फॉर्म्स आर यूजुअली नेदर स्टेबल नॉर कैपेबल ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस, ठीक है। कुछ नहीं इसका मतलब, अब ये इन्होंने स्टेप्स तो बता दिए, चार स्टेप उन्होंने बताया, पहला स्टेप रिएक्टेंट्स को लिखो, दूसरा स्टेप प्रोडक्ट को लिखो, थर्ड स्टेप उनके बीच में एक राइट एरो बना दो, बस। और उनको उनके मॉलिकुलर फॉर्म में लिखो इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो ये दोनों तो आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या करें, रिएक्ट करें, दोनों रिएक्टेंट्स हो गए। ये सामान बचा, ये सामान बना, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अलग हो गए, हाइड्रोजन थोड़ी सी अलग हो गई, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन है, ये तो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन टेल्स अस व्हाट सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्वड इन द गिवन रिएक्शन, वो कह रहा है ये केमिकल इक्वेशन हमें बताता है, क्या बताता है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है रिएक्शन के अंदर कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कौन से रिएक्टेंट्स हैं, तो वो कह रहे हैं जो रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर ये दो रिएक्टेंट्स हैं और क्या सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, यानी कि क्या प्रोडक्ट है, यानी एक दो चीज़ें बताता है, केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ आता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्रूव करके बता देना, फॉर एग्जाम्पल है मुझे आई थिंक पड़ गई रिफाइनिंग, इन द गिवन इक्वेशन ये जो दो है कॉपर सल्फेट और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पर जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है और सोडियम सल्फेट है ये दोनों के प्रोडक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेना, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, वो कह रहा है यहाँ पे एक रिएक्टेंट भी हो सकता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सर एक वाले का एग्जांपल दो, H2O है यानी वाटर, ठीक है, इसको मैं अभी एक ही रिएक्टेंट है, यहाँ पे कुछ तो नहीं, यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे दो दो है, तो मैं कह रहा हूँ वन रिएक्टेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं इसको हीट करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो एक रिएक्टेंट भी रिएक्शन कर सकता है, तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन अलग उड़ जाएगा, ऑक्सीजन अलग उड़ जाएगा, तो एक रिएक्टेंट भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। और उससे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं दो ही हो, दो या दो से ज़्यादा भी प्रोडक्ट निकल सकते हैं, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं और कोई एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, दो रिएक्टेंट तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वन रिएक्टेंट टू और मोर, अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है मुझे, मेरे को ऊपर लिखा हुआ था, अब इसका एग्जाम्पल दे रहा है, अच्छा सब एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऐसे एक ही एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर उन्होंने एक ही रिएक्टेंट है अलग होकर ये बना रहे हैं, ये एक ही एग्जाम्पल वो है रिएक्टेंट अलग होकर तीन तीन बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ पता है सारे, ये दो रिएक्टेंट मिलकर एक ही बना रहे हैं,
यहाँ दो मिलकर दो बना रहे हैं, यहाँ दो मिलकर तीन बना रहे हैं, और तीन से ज़्यादा ही बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको सर क्या क्वेश्चन याद करने हैं? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ याद करने वाली चीज़ है इसमें। हाँ, आपको चार कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी याद रखना कि ये क्या क्या चीज़ में इन्वॉल्व होती है। हर अब हर किसी के एग्जाम्पल्स मत याद करना है ना, वो याद तो अच्छी बात है पर करना मत, मैं तो वो याद करने का फोकस नहीं देना, रीड कर लेना बस। अभी हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन, एक इसके अंदर है स्केलेटन इक्वेशन। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन ये कैसा होता है, दिया हुआ है क्या? दिया तो है, कुछ समझ आ रहा है? एक ये वाला इक्वेशन देखो, एक ये वाला, और कुछ इस तरह के एग्जांपल देखो, दोनों इक्वेशन को देखो जरा। क्या डिफरेंस लग रहा है? अगर डिफरेंस ऑब्जर्व करो तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझाना चाह रहा हूँ उसको। स्केलेटन क्यों बोल रहे हैं? स्केलेटन मतलब क्या? स्केलेटन में बताऊँ, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, एक क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था, स्केलेटन मतलब होता क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड अदर सेल्स वगैरह, और चीज़ों के स्ट्रक्चर भी तो बोलते हैं स्केलेटन, बेसिकली मिलने तो बोला जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन्स। तो ये क्या कर रहा है? एक स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चर है, और ये क्या कर रहा है? अपने अंदर से अपने कुछ बोन्स को अलग कर रहा है, अपने कुछ बोन्स को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है सर, और भी कुछ मीनिंग है इसका? हाँ, एक मीनिंग और है, वो मीनिंग ये है, आप देखोगे ना यहाँ पे पावर दो है, यहाँ पे पावर दो है, तो प्लस होकर चार नहीं हो रहे हैं। एक ये इसकी प्रॉपर्टी है, एक ये इसकी प्रॉपर्टी है, देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हम ये समझते हैं। इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज, ये आंसर एक केमिकल चेंज तो रिप्रेजेंट करेगा करेगा, बट इज अनबैलेंस्ड, बट इसका बैलेंस सही नहीं होता, अनबैलेंस रहता है। ठीक है, वर्ड गलत है, ये अनबैलेंस कोई वर्ड नहीं होता, इम्बैलेंस्ड होता है। ठीक है, इम्बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड गलत वर्ड है, इम्बैलेंस्ड होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सब कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स को समझा समझा रहे कैसे इम्बैलेंस होता है। वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स आर नॉट इक्वल। वो कह रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते। हाँ, ये इसकी पहचान होती है, इसकी पहचान होती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो इक्वल ही नहीं होते हैं। तो ये एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, इन दी अबव केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द प्रोडक्ट्स फॉर्मड ऑन द राइट साइड। तो ये अलग ही है, तो ये अलग ही है। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन को क्या बोलते हैं? स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? आपको मेन प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, तो मैं बस ये समझाना चाहता था कि इस तरह से दिखाई देता है। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है? इनके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते ऑन बोथ साइड्स, है ना, ऑन दी बोथ साइड्स। सर बैलेंस्ड इक्वेशन ऊपर वाले सपोजिट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, दोनों साइड के होते हैं, सेम होते हैं। ये लिखा हुआ है, पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ओ है और एक ये दो ओ है, दो और एक तीन ही हो गए, तीन ही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन बी वाला है, ये वाला नॉट बैलेंस्ड है, ये वाला स्केलेटन है। ठीक है, वो कह रहा है बाय शुड एन इक्वेशन बी इनबैलेंस, बाय शुड एन इक्वेशन बी इनबैलेंस्ड, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए?
ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए भी। वो आपको इम्बेलेंस के बारे में बताते रहे, तो सर इम्बेलेंस और बैलेंस से बेटर कौन सा है? बैलेंस तो बैलेंस क्यों होना चाहिए, बैलेंस बेटर क्यों है, बेसिकली उसका रीजन है एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू, किस लिए? इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ओहो, वो कह रहा है कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बड़ी नीड नहीं है, सिंपल सी एक बात है, इक्वेशन को बैलेंस तो क्यों होना चाहिए? 2 मिनट रुक जाओ। वो कह रहा है एक इक्वेशन का बैलेंस होना चाहिए जस्ट टू कंप्लाई विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है मैटर का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इसको कंप्लाई करने के लिए, इसको कंप्लाई करने के लिए। और ये वो लॉ है जो बताता है, विच स्टेट्स, जो बताता है क्या कि मैटर ऐसे क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये तीन थे, ये तीन से चार केस हो गई है, इसे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो ही नहीं किया, ये तो लॉ के अगेंस्ट चला गया, ये तो इस लॉ के अगेंस्ट चला गया, लिखा हुआ है ना इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो कह रहा है केमिकल रिएक्शन जब होता है तब ना तो कोई मैटर क्रिएट होता है ना डिस्टर्ब होता है, तो यहाँ पे कैसे आ गया? तो वो कह रहा है एन इम्बेलेंस, जो इम्बेलेंस आएगा, इम्बेलेंस जो इक्वेशन वुड इम्प्लाई दैट एटम्स हैव बीन क्रिएटेड, और जो सर इम्बेलेंस है इसका मतलब ये कि क्रिएट हो रहा है, तो इसके उसके अगेंस्ट जा रहा है, बेसिकली क्या कर उसका अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है? तो सर ये गलत है, सही है, गलत है ये, तो अगर इसको सही करेंगे हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके आगे कि हाउ टू बैलेंस। अगर कोई केमिकल इक्वेशन इम्बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस कैसे करोगे? तो क्या उसके दो मेथड है, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक पार्शियल इक्वेशन है। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको जो भी कुछ करोगे आगे आगे हर जगह पे मिलेगा, इसका मतलब तुक्के लगाना। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब कहता है तुक्के लगा के जा, तुक्के लगा के चेक करना, तुक्के लगाते जाना, तुक्के लगाते जाना। तुक्के मतलब क्या, अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बता रहा हूँ उसमें कि हर जगह पे आता है, पे कम है ना, तुक्के लगाना होता है इसका मीनिंग। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। वो कह रहा है इस मेथड के अंदर क्या करोगे, आप काउंट करोगे नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट का दोनों साइड पर, और ट्राई करो उसके क्लोज करने का, यानी कि आपको सारे के सारे वन बाय वन करने पड़ेंगे, आपको वन बाय वन करने पड़ेंगे। तो क्या कह रहा है, पहले काउंट करो नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब क्या, फ्रिक्वेंसी बोलो या फिर आप बोलो कि नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट करो केवल, ठीक है? फिर देखो कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, अब मैं इसको कैसे समझाऊं 2 मिनट को। ठीक है, क्या कह रहा है मूवी में, खैर कोई उसको पढ़ो, नंबर ऑफ टाइम्स को छोड़ो, नंबर ऑफ एटम्स पढ़ो, नंबर ऑफ एटम्स ही पढ़ो उसको, ठीक है? नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑन ईस्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स पढ़ो, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? फिर कह रहा है सारे सबके नंबर ऑफ एटम्स
काउंट करो, इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिखो दोनों साइड, है ना, दोनों साइड पे अगर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, ठीक है। तो वो कह रहा है सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे ना, बैलेंस कौन सा वाला किया जाएगा, सबसे पहले कौन सा बैलेंस किया जाएगा जिसमें लीस्ट एटम्स है, जिसमें सबसे कम एटम्स है, जिसमें कम, जिसमें सबसे कम एटम्स है उसको सबसे पहले बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पे बैलेंस करने से मतलब है इक्वल करने से, है ना। तो यहाँ पर उसको बैलेंस किया जाएगा, सबसे पहले उसको बैलेंस किया जाएगा सबसे कम होगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, व्हेन टू और मोर एटम्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, और जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, तो जिसके पास कम है, जिसके पास कम है यानी उसको बोलेंगे मेटलिक एलिमेंट, फिर तो उसके बाद फिर हम उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम उसको बैलेंस करेंगे। समझते हैं बराबर, एक एक क्वेश्चन है, इसे बैलेंस करना है, इसे बैलेंस करना था, तो चेक करो इम्बेलेंस है भी या नहीं। तो देखो यहाँ पे सी एक है, यहाँ पर भी सी एक है, यहाँ पर यू एक है, यहाँ पर यू एक है, तो सी को एक ही पढ़ा जाता है, ठीक है, सी को एक ही पढ़ा जाता है, ठीक है, वैसे तो एक ही पढ़ा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ पे एस ओ फोर कितने हैं, एस ओ फोर एक है, यहाँ पर भी एस ओ फोर एक ही है, इन्होंने अलग अलग निकाला है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ठीक है। सी ओ एक है, वहाँ पर सी ओ भी एक है, यहाँ पर एच दो है, यहाँ पर भी एच दो है, यहाँ पर एस एक है, यहाँ पर एस दो है, यहाँ पर मिसमैच हो गया, यहाँ पर ओके चार एलिमेंट्स हैं, वहाँ पर ओके सात एलिमेंट्स हैं, सात एटम्स हैं, ठीक है। तो ये दो मिसमैच है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो जो इम्बेलेंस है, ठीक है, ये दो इम्बेलेंस है, ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, अब इनको इक्वल करना है। तो वो सबसे पहले इक्वल किसको किया जाएगा, जो सबसे कम है, जो सबसे कम है, सेकंड स्टेप क्या था, जो सबसे कम है उसको पहले बैलेंस, उसको पहले इक्वल किया जाएगा। तो वन को टू के बराबर करना है, तो वन को टू के बराबर करने का वाला टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन को टू करना है तो क्या तरीका है, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, लेकिन ये तो आपका टू से मल्टीप्लाई सिर्फ इस एक में करोगे, टू से मल्टीप्लाई सौ में करना पड़ेगा, सौ में करना पड़ेगा, जैसे ये है ना, ये सौ में तो ये नहीं, स्टार्टिंग से हमें करना है बेसिकली, हमें एस बढ़ाना है, देखो एस किसके साथ है, एस एच टू एस ओ फोर ही पूरे के साथ है, तो पूरे में टू हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो हमें यहाँ पे टू एस टू एस ओ फोर कर दिए, अब इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, अब नई टेबल ड्रॉ कर लेना, अब इससे क्या हो गया, अब ये दो हो गए, अब ये चार हो गए, अब ये दो हो गए, अब ये आठ हो गए, सर ये तो फिर से मिसमैच हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मैच हो गए, अब ये ना ये दो तो मैच हो गए, अब क्या करूं, इसमें से एक एटम निकाल दो, एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है, यहां से एक एटम अलग कर दो, ये है एक, ये दो ज्यादा है, यहां से दो एटम कम कर दो, यहाँ पे एक ज्यादा है, यहां से एक कम कर दो, क्या कम कर दो, सीयू कम कर सकते हो, सॉरी सीयू थोड़ी डबल होगा, सीयू तो बन ही रहेगा, सीयू तो बन ही रहेगा, सीयू में मल्टीप्लाई तुमने किया ही नहीं है ना, बस ये है, हमें यहाँ से कम करना पड़ेगा, यहाँ से हमें दो कम करने पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमें एक, तो सर कैसे अलग कम करोगे, कैसे कम करोगे, सर यहाँ से कम करने हैं, या तो यहाँ से कम करो या फिर यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पर दो ऐड कर दो, तो यहाँ पर दो एस जोड़ दो, यहाँ पर दो एस जोड़ दो, यहाँ पर एक ओ जोड़ दो, दिक्कत बात है कि यहाँ पे या तो माइनस करो या फिर यहाँ पे ऐड करो, यही उन्होंने किया है, यही उन्होंने किया है, यहाँ पर जब टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बाद में जो कि एस टू को जोड़ दिया, जो कि ऊपर पहले था नहीं, जो कि पहले था नहीं, ये रुको कुछ गड़बड़ है, हाँ ये रहा, एस टू तो एक ऑलरेडी वहाँ पे था, तो अब एक एस टू और जोड़ना है, तो एक एस टू और वहाँ पे जोड़ तो क्या जाएगा, टू एस टू हो जाएगा, तो इन्होंने वहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी और एग्जाम्पल देंगे उनमें भी समझ लेंगे।
वो कह रहा है इनको ही बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, पहले सौ एटम्स लिखो एक एक करके, ए एस के यहाँ पे दो हैं। इससे बन गया पहले सारे एटम्स काउंट करके देख लो, ठीक है, तो हमने लिख लिए, ठीक है। फिर कह रहा है जो मैच है वो तो देख लो, एक ही मैच है और कोई मैच ही नहीं है, तो अब देखो कौन से सबसे कम है, सबसे अब तो देखो ये तो मिसमैच है, ये तो मिसमैच है, ये तो मिसमैच है, तो मिसमैच वालों में क्या देखना है, तो इम्बेलेंस है, तो इम्बेलेंस में सबसे छोटा वाला मैच करना है मेरे प्लेयर, ये छोटा वाला, तो छोटे वाले को मैच करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा। तो देखो ये एच कैसा है, ये कैच एच किसके साथ है, यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर एच है, तो यानी कि एच सी एल, इन में एच को दो करना है, तो दो हम अकेला एच तो कर नहीं सकते, तो पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर टू करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर टू किया तो एच तो टू हो चुका, फिर सी एल भी टू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये सिक्स हो गया, ये टू हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब एक अब हमारे पास दो दो इक्वल हो गए, कौन कौन से इक्वल हो गए, एक हमारे पास ये नंबर इक्वल हो गया, एक हमारे पास ये नंबर इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, उन्होंने कुछ और तरीका लगाया है पता नहीं क्यों, देखते हैं हम जरा पहले इनका तरीका, देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। हाँ ठीक है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल ठीक है, अच्छा उन्होंने इसको भी इक्वलाइज करने की कोशिश की है, उसको उन्होंने क्यों इक्वलाइज किया है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास दो है, उसको उन्होंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको, अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टी साइड से चले गए लोग, ये तो उल्टी साइड से चले गए, इन्होंने रिएक्टेंट साइड को प्रोडक्ट साइड के कुल नहीं करने की कोशिश की, इन्होंने प्रोडक्ट साइड देखी है, ये प्रोडक्ट साइड को उसके रिएक्टेंट्स के साइड ला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों काम कर सकते हो, ठीक है, तो हम बुक से मैच कर रहे हैं, तो हम बुक वाला तरीका लगा रहे हैं। अब वो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सबसे कम कौन सा है, यहाँ पे सबसे कम कौन सा, तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा है, पहले यहाँ पे नंबरिंग करी हमने फर्स्ट स्टेप में, दूसरे में हम जो सबसे कम होते हैं उनको इक्वल करते हैं, तो सबसे कम तो सर ये तीनों सबसे कम है ना, लेकिन ये तो ऑलरेडी इक्वल है, तो ऑलरेडी इक्वल है, तो इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं, हमें इन दो को इक्वल करना पड़ेगा, दो को इक्वल करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसमें दो से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इसमें तीन से, पर ऐसे अपने मन से तो करवा नहीं सकते, तो देखना पड़ेगा ए एस कहाँ पर आ रहा है, ए एस यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, ए एस यहाँ पे अकेला आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टू से अकेले मल्टीप्लाई करवा सकते हो गया टू से मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं वो तीन करना है, लेकिन वो अकेला आ रहा है कि यहाँ पे वो अकेला नहीं आ रहा, वो सर इसके साथ आ रहा है, तो हमें इस पूरे में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, पूरे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे में ही मल्टीप्लाई होगा तीन से, इसमें ही मल्टीप्लाई होगा तीन से, ठीक है, अभी कितना आ रहा है थ्री, ये दोनों बराबर हो गए, ये आता है सिक्स, ये बराबर नहीं हुआ टू, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, ठीक है।
वो कह रहा है इस सारा क्या कर रहा है, वो कह रहा है दोनों तरफ से चेंज कर रहा है, वो कह रहा है एस में भी चेंज करो, इस एस में भी चेंज करो, इस एस को भी हमें सिक्स के बराबर लेके आना है, इस एस को भी हमें सिक्स के बराबर लेके आना है। तो एस में सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, एस में आप एस सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो कि नहीं, एस में सिक्स से मल्टीप्लाई करना तो पूरे में सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी सी एल में भी, तो यहाँ पे भी आपको सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सी एल में भी, वो ये तो सब कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अब करना तो पड़ेगा आपको। ये आपका आ जाएगा 18 और ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है। अब ये दोनों ही बराबर हो गए, सारे बराबर हो गए एक को छोड़ के, सारे बराबर हो गए एक को छोड़ के। तो पहले उनको तरीके से लिख लो, AH2O3 में हमने सर कुछ किया नहीं था, उसको एज इट इज लिखा रखा, SnCl2 में सर कुछ नहीं किया, एज इट इज रख रखा था, सर लेफ्ट हैंड साइड में HCl में चेंज किया, सिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। इस साइड में SnCl4 में कुछ नहीं किया, उसको एज इट इज रख रखा था, इसमें हमने चेंजेस किए थे, ठीक है, इसमें हमने चेंजेस किए थे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया था, इसमें चेंजेस किए थे, इसमें चेंजेस किए थे, ठीक है। अब सारे सेम हो गए क्या, नहीं, Cl Cl सेम नहीं हुए, Cl Cl सेम नहीं हुए, तो Cl Cl को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 18 हो गए और ये क्या है 4, दो साल हो गए यहाँ पे, जरा सी एल का काम ब्लर रहा है, जरा सी एल को एक बार कैलकुलेटर के लिखते हैं, यहाँ पे सी एल कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 और 6 12, ये भी 6 12 ही आ रहा है। अच्छा, सही है, सी हमारे पास 3 है, जब हम यहाँ पर सिक्स से मल्टीप्लाई कर लें तो सी एल हमारे बढ़े, अगर सिक्स ही तो बढ़ा भी हमारा, हमें सिक्स से मल्टीप्लाई थोड़ी हुआ है भी, यहाँ पे तो सिक्स बढ़े हैं, यहाँ पे तो केवल सिक्स बढ़े हैं, यहाँ पे तो सिक्स बढ़ाए के ना, तब इसको +6 बोल सकते हो, तो ये हो गया 9, तो ये हो गया 9, ठीक है। ये एक सी एल था बेचारा, यहाँ पे एक सी एल का मैं 6 कर दिया, 1 का 6 कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको आना, इसको ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये 3 वाला ये सी वाइल बन रहा है, दो तरह से बने, दो पार्ट में बन रहा है, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, एक इसका एक पार्ट है और एक इसका वन पार्ट है, एक वन वाला और एक टू वाला है, ठीक है, एक टू वाला ये वाला है। तो पहले जब हमने यहाँ पे सिक्स में मल्टीप्लाई किया था एस को इक्वल करने के लिए, तो यहाँ पे सिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इन दोनों का ये भी बराबर करना है, ये कितने हो गए, 6 और 2 8, 6 और 2 8 में ना ये 4 ही के, तो इन दोनों को बराबर करना है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए पता क्या क्या, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ताकि दोनों क्या हो के बराबर हो गए, 3 दूनी 6 और 6 12 और 4 3 12, ठीक है। तो उन्होंने क्या करवा डाला, SnCl2 और SnCl4 में तीनों में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा डाला, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड बन गया, अभी बैलेंस्ड आपका हो गया, सिर्फ अभी ट्रिकी है, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट भी है, ट्रिकी है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, सारे बच्चे दिक्कत खाएंगे इसमें, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, ध्यान देना है ना, और ध्यान और हो सके तो नेक्स्ट संडे को जब हम क्लास के लाइव क्लास लेंगे तो पूछ लें, जितने इसमें डाउट पूछना, जितने डाउट पूछना इसमें संडे को पूछना अच्छे से, ताकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ। वो करें इसको देखो, इक्वल करके देखो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर से ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं समझा ही दूंगा अभी, है ना। ऐसे काम कर लिया होगा, पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या है, सभी के एलिमेंट्स लिखो, लिख लिए, केवल ये दो मैच नहीं है, ये दो मैच है केवल, ये एक मैच है, ये दो मैच नहीं है, तो इन दोनों को हमें इक्वल करना होगा,
किसको इक्वल करना चाहोगे? वहाँ पे इक्वेशन था क्या? Fe2O, वहाँ पे Fe2 था, तो इस Fe को 2 बना लें, तो इसको भी, यहाँ पर 2 है तो इसको भी 2 बना लें, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कर लिया है, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। बताइए O, इस O को कैसे बराबर करोगे? सर O को कैसे बराबर करोगे? ये यहाँ पर सर, ये तो ये 2Fe, ये 2Fe है, मैच हो गया, ये H2 से H2 मैच हो गया, लेकिन ये दोनों मैच नहीं हो रहे, ये दोनों मैच नहीं हो रहे। अरे यहाँ पर 2H2, आप 2O ऑप्शन कैसे लेके आओगे? हाँ, एक तरीका है इसको इक्वल करने का, क्या पता है क्या? यहाँ पर एस अलग से, यहाँ पर एस अलग से, यहाँ पे इसमें 3 से अलग से मल्टीप्लाई करवा दो। यहाँ पर अगर एस में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वहाँ पे भी एस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे एस एस से करवा दो, हो गया आपका बराबर, हो गया आपका सारा बराबर। इस 3 से मल्टीप्लाई करने से पता क्या हो गया आपका? ये ओ भी 3 हो गया, देखो बिल्कुल। अच्छा उन्होंने क्या नहीं है अभी, इन्होंने क्या नहीं है, तो सड़े में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, हमें सर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, उन्होंने क्या नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आपको हो गया होगा सॉल्व। एग्जाम्पल 4 में होमवर्क में दे रहा हूँ, अभी तो हमें समझा नहीं रहा। अच्छा ये क्यों बना रहा हूँ मैं सर, इक्वेशन में लिखने पड़ेंगे क्या, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है? नहीं वो कुछ सॉरी कह रहे हैं, अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर आर ऑपरेटेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ओहो ये क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन बोलने के लिए बोल रहा है, एक क्वेश्चन लिखने के लिए। तो सर एक क्वेश्चन लिखने के लिए तो पहले आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए पहले तो। ये याद होना चाहिए, होमवर्क नहीं है ये आपको, ये तो लाइव क्लास में बता पाऊंगा मैं, है ना, ये आपको होमवर्क नहीं है, पेंडिंग है, पेंडिंग टॉपिक है ये, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस पोटेशियम क्लोराइड, है ना, ये भी आपको पेंडिंग ही जाएगा बेटा, पेंडिंग इसलिए दे रहा हूँ मैं, एक तो भी आपको सारे याद भी नहीं है, तो मतलब सारे याद करके रखने हैं आपको, तो ये आपको होमवर्क है, होमवर्क है, अभी नोट कर लो, मैं बाद में नहीं बताऊंगा इस क्लास के। एक तो आपको ये सारे क्वेश्चंस है ना, सारे फॉर्मूले के याद करने हैं, एटलीस्ट वो कर लो जो जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, जिन जिनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, उन सभी का क्या करो, केमिकल नेम केमिकल फॉर्मूले याद कर लो सभी के, ठीक है। समझाना मेरा काम है, याद आप कर लो, समझाना मेरा काम है, याद आप कर लो, ठीक है। यहाँ तक पेंडिंग है आपका, ठीक है, यहाँ तक पेंडिंग है। द हीट एंड ट्रायल मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर बैलेंसिंग सिंपल केमिकल इक्वेशन, वो कह रहा है ये जो आपने +2 -2 करके देखा, ये ठीक है इजी था, लेकिन क्या सिंपल केमिकल इक्वेशन ये अपने सॉल्व कर सकते हो? इसकी लिमिटेशन है क्या? एक तो टाइम लेता है, हाँ सर सोचना बहुत पड़ता है, और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ गए तो बहुत ज़्यादा। एंड द मैकेनिज्म, इसका तो तरीका है, स्टेप ऑफ द रिएक्शन, हाउ द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ऑफ द रिएक्शन नॉट क्लियर, कभी कभी रिएक्शन समझ में नहीं आता। अब आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे हमने 2 किया, सबसे क्या फॉर्मुलेशन बिगड़ गया, सर वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, सर अब इससे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो वो केमिकल रिएक्शन में क्लियर नहीं होता है, तो इसके कुछ लिमिटेशन है। तो दूसरा फिर आया पार्शियल इक्वेशन मेथड, इसको हम कल करते हैं, ठीक है, अभी तक हम यहाँ तक पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे, है ना। आपको होमवर्क क्या है, एक तो आज जो एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं वो सारे सॉल्व करके लाने हैं, वो दोबारा से रिसॉल्व करने बिना देखे, ठीक है, और जो जो इक्वेशंस, जो जो एग्जांपल्स में जिन जिन इक्वेशंस के केमिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं वो आपको याद करके आने हैं, ठीक है। और होमवर्क लिखो, क्वेश्चन 1,
ट्राई करना फोर्थ वाला, ट्राई करना फिफ्थ वाला, ट्राई हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना ठीक है इसमें। अरे ये तो बहुत सारे हो गए, सारे नहीं। एक ये वाला, आपको बेटा इनके नाम याद करने पड़ेंगे। आपके होमवर्क एक और है, क्या होमवर्क है? एक होमवर्क और है आपका इन सभी को सॉल्व करने के लिए। क्या इतनी जैसे एफ ई, एफ ई का मतलब क्या है? फेरम होता है, H2FE, फेरम मतलब आयरन है ना, लोहे को बोलते हैं। H2 वाटर होता है ठीक है। तो इन सभी के आपको नेम भी याद करने होंगे, नेम भी और फॉर्मूले भी याद करके रखने हैं आपको, ये तभी हो पाएंगे आपको ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि तो नाम याद नहीं होगा ना, तो रिएक्शन में आपको क्लियर नहीं करा पाऊंगा। तो ये आपका होमवर्क, बस एक ही क्वेश्चन इसमें, एक ही होमवर्क में ये ए वाला, बाकी सब आपने याद करके रखना ठीक है। टाइम लगेगा, लिख लिख कर याद करना है सारे, और एक बार में सारे याद मत करना, एक बार में पहले 5 5 5 5 कर करके सीरीज बना के याद करना ठीक है, 5 5 की सीरीज में ठीक है। बस इतना ही करते हैं इसकी वीडियो में।